फंक्शन बोलते हैं, यानी वो यूजर नहीं बनाता है, लेकिन वहां से आते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन। इसी तरह जो सीएलआर और एससीआर, सीएलआर एससीआर और गेट सीएच हैं, ये भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, यानी इनका मीनिंग ऑलरेडी कंप्यूटर को बताया गया है, ये हमने खुद नहीं बना सकते हैं। विच इज यूज टू क्लियर द डेटा फ्रॉम कंसोल, विच इज यूज टू क्लियर डेटा फ्रॉम कंसोल, जो हम कंसोल से डेटा हटाने का इस्तेमाल करते हैं। जो हम कंसोल से डेटा हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था, हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, रन के बाद ब्लैक स्क्रीन आता है, ठीक है। तो ब्लैक स्क्रीन पर पुराना आउटपुट हटाने के लिए हम सीएलआर एससीआर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज डिफाइंड इन conio.h हेडर फाइल, इसकी डिफिनेशन किस फाइल में है, conio.h में। conio dot की फुल फॉर्म क्या है, conio की कंसोल इनपुट आउटपुट है ना, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी conio dot h में clr scr की डेफिनेशन है conio dot h में, ओके। यानी अगर हम clr scr इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में तो हमें लाजमी तो conio dot h हेडर फाइल को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका मीनिंग conio dot h में है, अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो एरर आएगी। इट इज फुल फॉर्म इज क्लियर स्क्रीन, clr scr की फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन, हो गई एक फंक्शन। दूसरी फंक्शन है गेट सी एच, गेट सी एच इज ए प्रीडिफाइंड फंक्शन विच इज यूज्ड टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन और कंसोल अनलेस वी प्रेस एनी की ऑफ द कीबोर्ड। हाँ, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फिर कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, तो हमें क्या आता है, आउटपुट आता है ब्लैक स्क्रीन पे, जो ब्लैक स्क्रीन पे जो उसको रोके रखता है, हमें दिखाता है, वो गेट सी एच फंक्शन है, वो गेट सी एच फंक्शन है। अगर हम गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में तो आउटपुट तो आएगा, लेकिन हमें स्क्रीन दिखाई नहीं देगी, हम स्क्रीन नहीं देख सकते हैं। जो मेरा इससे पहले लेक्चर था जो मैं सरजय को दिया था, उसमें मैंने दिखाया था आपको, अगर सी एल एस आर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर गेट सी एच नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिखाया था आपको। इट इज डिफाइंड इन conio dot h हेडर फाइल, इसकी भी डेफिनेशन है conio dot h हेडर फाइल, यानी गेट सी एच और सी एल एस आर दोनों की जो डेफिनेशन है वो है conio dot h में। conio dot h को हमें फिर लाजमी तौर इस्तेमाल करना है अगर हम इन दो फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इट इज फुल फॉर्म इज गेट कैरेक्टर, गेट सी एच की फुल फॉर्म है गेट सी एच मीन्स कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर, ओके। ये इन दो का इस्तेमाल सी आर और एस सी आर और गेट सी एच का। के बाद देखिए आप, देखिए सबसे पहले होता है एडिटर, या आप ध्यान से सुनिए, एडिटर वो चीज होता है जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड एडिटर, दैट्स कॉल्ड एडिटर। जैसे आप लेटर लिखते हैं कंप्यूटर पे, तो आप ऐसे लेटर नहीं लिखते हो, आपको एमएस वर्ड ओपन करना पड़ता है, ओपन करने के बाद उसमें नई फाइल लानी पड़ती है, फिर आप उसमें लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ भी हम प्रोग्राम लिखते हैं एक विंडो में, एक विंडो ओपन होती है जिसको आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट बोलते हैं आईडीई, और उसी को एडिटर बोलते हैं। एडिटर में लिखने के बाद जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं सोर्स फाइल, क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड सोर्स फाइल, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल। एडिटर में काम करने के बाद जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल जब बनती है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर करता है, ये स्टेप्स हैं, कंपाइलर करते हैं कंपाइल, यानी हमारी जो फाइल होती है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइलर कंपाइल करता है, यानी उसमें एरर ढूंढता है, कोई एरर तो नहीं है उसमें, अगर कोई एरर होगी उसमें तो कंपाइलर दिखाता है इसमें एरर है। जब कंपाइल ये हो गई, अब हमारी फाइल सोर्स फाइल, इसके पहले क्या थी, सोर्स फाइल,
अब कंपाइल होके ये फाइल बन गई, कंपाइल और कोड इसको बोलते हैं। तो जो नई फाइल बन गई दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल, क्या उसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइल करने से पहले क्या फाइल थी? सोर्स फाइल। कंपाइल करने के बाद क्या फाइल बन गई अब? ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा जब हम कंपाइल करने से पहले फाइल छोटी होती है, वो 10 लाइंस होती है, जब हम कंपाइल करने के बाद फिर वो 1000 लाइन की बन जाती है, दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। हाँ, ऑब्जेक्ट फाइल जब बनती है तो फिर एक और सॉफ्टवेयर इसमें आता है, लिंकर। लिंकर क्या है? लिंकर हार्डवेयर नहीं है, पढ़ने में ये हार्डवेयर लगता है, लेकिन है क्या ये? यह है सॉफ्टवेयर। कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर है और लिंकर भी सॉफ्टवेयर है, ये दोनों सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। एक और प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद एक और प्रोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं लिंकर। लिंकर क्या करता है? लिंकर लिंक करता है लाइब्रेरी फाइल्स को इसके साथ। ये लाइब्रेरी फाइल्स कहाँ होती हैं? जो हम ऊपर इस्तेमाल करते हैं ना, conio.h, get conio.h, iostream.h, वो लाइब्रेरी फाइल्स हैं। उन लाइब्रेरी फाइल्स को इसके साथ जोड़ता है, यानी जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसके साथ क्या फाइल्स जुड़ते हैं? लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, जो हमारे फाइल होती है, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स की डिफिनेशन लाइब्रेरी फाइल में होती है, उन कीवर्ड्स की डिफिनेशन लाइब्रेरी फाइल में होती है, इसलिए लाइब्रेरी फाइल को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और कनेक्ट कौन करता है? लिंकर करता है। ठीक है, इसके बाद लिंकिंग करने के बाद, यानी अब हमारा हमारी जो फाइल थी ऑब्जेक्ट फाइल, अब इसके साथ लाइब्रेरी फाइल भी एड हो गई, तो अब एक और बड़ी फाइल बन गई, इसको लिंकर प्रोग्राम कहते हैं, और इस फाइल का नाम पड़ गया एग्जीक्यूटेबल फाइल, दिस इज ना एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं और हमें आउटपुट आता है। मैं इसको रिपीट करता हूं, तो इंशाल्लाह कल मैं दिखाऊंगा आपको, आप याद रखना आज हमने क्या पढ़ा, कल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एडिटर क्या है, सोर्स फाइल क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या है और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है। मैं इसको दोहराता हूँ, सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं एडिटर, दैट इज एडिटर। जिस तरह मेरे पास इस वक्त विंडो ओपन है ना, ये भी एक एडिटर है, उसमें लिखा हुआ कि पावर पॉइंट है ना, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे दैट इज एडिटर। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर घर में लिखना है तो आप किस पे लिखते हो? रफ पे, कॉपी पे, रफ पे लिखते हो, है ना, तो वो क्या आपका? वो आपका एडिटर है, जिसमें आप लिखते हो, दैट इज एडिटर। उसके बगैर आप लिख नहीं सकते हो, आप फर्श पे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, आप किसी कॉपी पर नहीं लिख सकते हो। तो आपके लिए कोई चीज होनी चाहिए जिस पर लिखोगे, तो आपके लिए यहाँ तो लिखने के लिए एडिटर होता है, वहां में लिखने के लिए कागज होता है घर में, ठीक है। तो आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा घर में कॉपी पे, ठीक है, तो बोलते हैं फाइल बोलते हैं, या इसको क्या बोलेंगे हम? सोर्स फाइल। यह हो गई सोर्स फाइल, यानी सी प्लस प्लस एडिटर में जो भी कुछ हम लिखते हैं, फाइल बनाते हैं, उसके बाद उस फाइल का नाम लिखते हैं, नाम देते हैं, सेव करते हैं उस फाइल को, और उस फाइल का नाम हम कहते हैं, यह हो गई सोर्स फाइल। जब सोर्स फाइल बन गई, सोर्स फाइल बनने के बाद हम उसको करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर हम कंपाइलर की मदद से करते हैं, कंपाइलर कंपाइलर्स द फाइल, ठीक है, याद रखना। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, कोई पूछेगा कंपाइलर क्या, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर है। यह हमारे हमारे प्रोग्राम को, सोर्स फाइल को कंपाइल करता है। यानी कंपाइल करने का मकसद क्या होता है? कंपाइल करने का मकसद ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको पार्सिंग करता है। पार्सिंग क्या होता है? इसको एक एक लाइन चेक करता है कि इसमें कहीं एरर तो नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, जब आप कंपाइल हो गई हमारी फाइल, इसमें कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर होगी तो हम ठीक करेंगे, ठीक। जब सारी एरर हम ठीक करेंगे, अब इसमें कोई एरर नहीं रह गई, तो एक और फाइल बन गई, दैट इज नाउ ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल कंपाइल होने के बाद। ऑब्जेक्ट फाइल करने के बनने के बाद हम क्या करते हैं? हम एक और सॉफ्टवेयर इसमें ऐड करते हैं, उसका नाम है लिंकर। लिंकर एक ये भी सॉफ्टवेयर है। ये लिंकर क्या करता है? ये लाइब्रेरी फाइल उसको ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करता है। लाइब्रेरी फाइल उसको ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करता है। लाइब्रेरी फाइल्स क्या फाइल्स हैं?
ये लाइब्रेरी फाइल्स वही फाइल्स हैं जो हमने ऊपर लिखा conio.h हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, या iostream.h इस तरह बहुत सारी है, ठीक। मैंने कहा था कि C++ लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में फाइल्स होती हैं। कौन कौन सी फाइल हमें जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम को, उन फाइल्स को लिंक करता है ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, हो गए। लिंकिंग करने के बाद जो फाइल बन गई इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये हो गई एग्जीक्यूटेबल फाइल। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके, कोई क्वेश्चन है यहाँ आपको? नहीं सर। कोई क्वेश्चन? अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ा इसमें कोई क्वेश्चन इसमें CRSCR और GetCH में? बेसिकली आपको इतना आज इतना नहीं समझ आएगा क्योंकि ये अभी इमेजिनरी है, ये अभी लॉजिकल है, थिंकिंग है, ठीक है। ये ऐसा करेगा, सो आप करेगा, वो गेट सी एच ऐसे रोगे। कल मैंने कल भी शायद आपको पिछले लेक्चर में दिखा, मुझे याद है मैंने दिखाया था आपको C++ प्रोग्राम। तो कल इंशाल्लाह मैं C++ प्रोग्राम लिखाऊंगा, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा, गेट सी एच क्या करता है, CLRSCR क्या करता है, और इसके अलावा ये भी सिखाऊंगा एडिटर किसको बोलते हैं, सोर्स फाइल क्या है, कंपाइलर क्या इस्तेमाल, कंपाइलर के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल कैसे बनती है, फिर जो फाइल है तो वो क्या फाइल बनती है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो मैं कल दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, ठीक है। इसलिए इसमें जो कंप्यूटर साइंस है इसमें ये कंटिन्यूटी जरूरी है, अगर आपकी कंटिन्यूटी खत्म हो गई तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो पिछले लेक्चर हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जो नया लेक्चर आप पढ़ रहे हैं वो इसके साथ लिंक होता है ऑलरेडी, ठीक है। आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड नहीं किए हो, जिसने सारे आई होप जिसने सारे लेक्चर अटेंड किए हों, कभी कोई छूटा होगा वो अलग बात है, लेकिन अक्सर उसने अटेंड किए होंगे तो उसको आगे जितना वो आगे जाएगा उतनी परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसको कोई परेशानी आगे आगे नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एक क्लास लेता है फिर 5 दिन के बाद दूसरा क्लास लेता है या हफ्ते में एक क्लास लेता है तो उसको परेशानी होगी, क्योंकि अगर इस वक्त पढ़ाता हूँ आपको मैं इसको जो पुराना हमने पढ़ा उसके साथ लिंक करता हूँ, जब बच्चे को पता ही नहीं है हमने क्या पढ़ा था पिछले साल तो वो क्या लिंक करेगा, उसको क्या समझ आएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं आप कंटिन्यू क्लास लीजिए, ठीक है, कोई क्लास मिस मत कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आएगा, कोई इतना ही मुश्किल काम नहीं है। ओके ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह निगहबान।